हेलो फ्रेंड, मैं अरशद अय्यूब सीटेट एंड जेटेट के गुरुकुल के ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरुकुल ने आज से सीटेट और जेटेट का भी बैच स्टार्ट कर दिया है, तो इस सीटेट और जेटेट के बैच में मैं अरशद अय्यूब आप लोगों का मैथ का क्लास लेने वाला हूँ। और आज एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से जो लोग हमसे ऑफलाइन क्लास करते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि किस तरह से हम लोग एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग लेकर के चलते हैं मैथमेटिक्स को, क्योंकि मुझे पता है, हम सभी को पता है कि जो लोग स्पेशली जो लोग सीटेट और जेटेट के स्टूडेंट होते हैं उनका मैथमेटिक्स बहुत ही वीक होता है, बहुत ही ज़ीरो होता है। और अगर इसकी सिलेबस की भी बात करें तो सिलेबस भी एकदम बेसिक होता है इसका, मतलब सिर्फ हमें मैथमेटिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करवाना होता है। अगर आपके पास बेसिक है तो आप मैथमेटिक्स में स्कोर कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो कई लोग ऐसा करते हैं कि एसएससी की तैयारी करने लग जाते हैं, एसएससी जेएसएससी बैंकिंग बहुत अच्छी बात है, आप कोई सा भी तैयारी कर सकते हैं। माइंड में ये सेट होता है कि जब मैं एसएससी का मैथ को बना सकता हूँ, बैंकिंग के मैथ को बना सकता हूँ, रेलवे के मैथमेटिक्स को बना सकता हूँ, तो सीटेट और जेटेट तो इस का जो मैथ का लेवल है वो इनसे कई ज़्यादा नीचे है, तो ये तो आराम से बन जाएगा। लेकिन कभी कभी छोटा चीज ही हमें फंसा देता है। कभी कभी बड़ा मैथ आपसे बन जाएगा लेकिन उस मैथ का कॉन्सेप्ट की बात करें और उस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन निकाल करके अगर आपको दे दिया जाए तो वहां पे आप फंस जाएंगे। उसी कॉन्सेप्ट को हमें जानना है और उसी कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आज मैं आपके लिए जो फर्स्ट चैप्टर के रूप में स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति भी बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही बताया जाएगा जितना आपको ज़रूरत है सीटेट और जेटेट में। हाँ, ये और बात है कि आप सभी को पता है जो लोग हमसे ऑफलाइन क्लास करते हैं कि हमेशा मैं एक स्टेप ऊपर चलता हूँ। ये नहीं कि अब तक जो पूछा गया है सिर्फ उतना ही बताऊँगा, उसके आगे नहीं बताऊँगा, उससे एक दो स्टेप आगे ही ले करके चलेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा भी दिया जाए तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन स्टार्ट करने की जहां तक बात है तो स्टार्ट मैं एकदम जीरो लेवल से करूंगा, एकदम जीरो लेवल से। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ सवाल जवाब करेंगे, कुछ मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे, और सवाल ऐसा होगा कि लगभग लगभग आप सभी को पता ही होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए नंबर सिस्टम, ये जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है संख्या, यह संख्या है क्या? यह संख्या है क्या? संख्या बहुत सुने होंगे आप लोग, नंबर भी, हर जगह नंबर नंबर नंबर, लेकिन नंबर है क्या? इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? यहां पे आप लोग फंस जाएंगे, आप लोग नहीं, सभी लोग नहीं फंसेंगे, कई लोग फंस जाएंगे कि यह नंबर है क्या। यकीन मानिए इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग नहीं जानते हैं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। फिर नंबर से रिलेटेड एक और बात करते हैं, डिजिट, जिसे हिंदी में अंक कहा जाता है। अब डिजिट भी बहुत सुने होंगे, अब डिजिट भी बहुत सुने होंगे, डिजिट यानी अंक, बहुत अंक सुने होंगे कि अंक किसको कहा जाएगा और संख्या किसको कहा जाएगा। कोई भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो या तो डिजिट होगा या तो संख्या होगा या तो दोनों होगा। जैसे बात करते हैं कि वन, ये क्या है? अगर वन की बात करते हैं तो ये क्या है आपका? वन क्या है? संख्या है या अंक है, यानी नंबर है या डिजिट है, क्या है ये? टू ये क्या है? थ्री ये क्या है? नंबर है या डिजिट है? थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि इससे कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। आपको आगे नहीं बढ़ना है, अभी जो मैं बता रहा हूं बस हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे, आपको वहीं तक पहुंचाऊंगा जहां तक आपको पहुंचना चाहिए, उससे पीछे नहीं छोड़ूंगा मैं। जहां तक आपको जाना है वहां तक मैं आपको ले जाऊंगा। पेशेंस रखना होगा आपको, पेशेंस रखना आपका काम है, उस मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम है।
जहां तक आपको जाना है वहां तक आप जाएंगे। अभी सिर्फ आप लोग ये बताएं कि ये माइंड में ही बता दीजिए या फिर कमेंट में भी लिख सकते हैं कि बताइए ये वन क्या है, ये वन क्या है, आपके पास ऑप्शन है, ये संख्या है या अंक है, टू क्या है, ये संख्या है या अंक है, थ्री क्या है, ये संख्या है या अंक है। अब मैं बताता हूं कि ये क्या है। अगर वन की बात करते हैं तो ये आपका संख्या है, क्या है, संख्या है और अंक भी है, यानी ये नंबर भी है और डिजिट भी है। वन क्या है, नंबर भी है और डिजिट भी है। उसी तरह से टू क्या है, तो नंबर भी है और डिजिट भी है। थ्री क्या है, नंबर भी है और डिजिट भी है। ये सब क्या है, नंबर भी है और डिजिट भी है। बात करते हैं जीरो की, जीरो क्या है, तो जीरो को भी संख्या ही माना जाता है, संख्या या फिर अंक। जीरो भी या तो आपका संख्या है या तो आपका अंक है, ये डिपेंड करता है आगे लगेगा तो पीछे रहेगा तो किस तरह से, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप लोगों को इतना माइंडसेट रखना है कि जीरो क्या है, संख्या भी है अंक भी है, वन क्या है, संख्या भी है अंक भी है, टू क्या है, संख्या भी है अंक भी है, थ्री क्या है, संख्या भी है और अंक भी है। अब बात करते हैं 23 की। अब आप लोग बताएं कि ये संख्या है या अंक है, 23 ये क्या है, 23 क्या है, ये संख्या है या अंक है। तो पता चला कि ये तो 23 है, यानी ये क्या हो गया, संख्या हो गया। कैसा संख्या है ये 23, कैसा संख्या है, तो दो अंकों वाला संख्या है, दो अंकों वाला संख्या है, यानी ये 23 एक ऐसा संख्या है जिसमें दो अंक है, जिसमें पहला अंक आपका 2 है और दूसरा अंक 3 है, यानी संख्या ये एक ऐसा संख्या है जो 2 और 3 की मदद से बना है। यानी आप कह सकते हैं कि संख्या किसको कहा जाता है, तो जो अंकों से मिल करके, जो अंकों से मिल करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो बनता है उसे हम लोग संख्या कहते हैं या नंबर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या, संख्या एक अंक वाला भी हो सकता है, दो अंक वाला भी हो सकता है, और दो से ज्यादा जितना भी संख्या है वो सभी संख्या कहलाएगा। लेकिन अंक का कंडीशन है, यानी डिजिट का कंडीशन है, डिजिट कौन हो सकता है, तो डिजिट होगा या जीरो होगा या वन होगा या टू होगा या थ्री होगा, इस तरह से करके कहां तक, 9 तक। जैसे ही हम लोग 9 तक काउंट करते हैं वहां तक वो संख्या भी है और अंक भी है। सिर्फ अंक की बात करें यानी सिर्फ डिजिट की बात करें तो डिजिट कहां तक कहलाता है, तो 9 तक आपका डिजिट कहलाता है, संख्या भी कहलाता है, नंबर भी कहलाता है, लेकिन 9 तक डिजिट कहलाता है। 9 से ऊपर जैसे ही हम आगे बढ़े 10 गए तो अब ये आपका डिजिट नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया, अब ये संख्या हो गया। कैसा संख्या है ये, संख्या क्या, कैसा संख्या है, तो ये एक ऐसा संख्या है जो 2 अंक 1 और 0 से मिलके बना है, जो 2 और 1 0 और 1 दोनों से मिल करके बना है, ये एक ऐसा संख्या है। अगर बात करते हैं हम, अगर मैं बात करूं कि 2348 ये क्या है, 2348 ये क्या है, तो ये भी संख्या है। ये क्या है, संख्या है। ये किस तरह का संख्या है, तो ये एक ऐसा संख्या है जो अंक 2, 3, 4 और 8 से मिल करके बना हुआ संख्या है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बात की जाए ये क्या है, 2348, ये इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको संख्या कहा जाएगा, और कहा जाएगा और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस संख्या में कितने अंक हैं, तो 4 अंक हैं। ये सब क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, इत्मीनान रहिए, इतना इजी नहीं पूछेगा, जो पूछेगा वहां तक भी मैं आऊंगा। तो ये संख्या में कितना अंक है, 4 अंक है।
यह संख्या में कितना अंक है? चार अंक है। कौन कौन सा? तो दो, तीन, चार और आठ। दो, तीन, चार और आठ। अगर आप लोग चाहें तो इसको, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, फिर मैं रफ करके आगे बताऊंगा। आप लोग क्या करें कि वीडियो को पॉज कर लें, वीडियो पॉज करने के बाद इसको नोट कर लें, नोट करने के बाद फिर मैं आगे बताऊंगा इसका आगे का प्रोसेस, किस तरह से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। यकीन मानिए आपको अभी तक अंदाजा भी नहीं होगा कि संख्या से भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। भले ही इंटरेस्टिंग अगर ना भी हो, तो ये मेरा दावा है कि मैं आपके सामने वो क्वेश्चन जब बताऊंगा तो वही क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट पैदा, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करेगा, और आप चाहेंगे कि उस तरह दो चार क्वेश्चन और हम लोग बनाएं। और दो चार क्वेश्चन सिर्फ मन में ऐसा नहीं होगा कि बनाने का मन करेगा, मैं आपको बनवाऊंगा भी। आज हम लोग सिर्फ यही सब डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास में। तो आइए, उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आप लोग नोट कर लिए होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मैथमेटिक्स का, इनफैक्ट कोई सा भी क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप ये मत समझें कि आपका ये जो क्लास है वो ऑनलाइन चल रहा है। कई लोग ऐसा करते हैं कि ऑनलाइन क्लास समझ के बेड पे लेट गए हैं, सर की तरफ तकिया लगा लिए हैं, आराम से वीडियो को देख रहे हैं। ये सिवाय वो जो ठेठ भाषा में बोला जाता है ना, कोढ़ियापंती, ये कोढ़ियापंती आपको नहीं करना है। ये आपको लॉस है, आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि आप सोचेंगे कि चलो एक बार देख लेते हैं, बाद में नोट कर लेंगे। जब आप दोबारा से ये वीडियो देखेंगे ना, तो वो इंटरेस्ट नहीं आएगा, यकीन मानिए वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप फिर फॉरवर्ड कर करके देखिएगा, पता चल रहा है फॉरवर्ड करने के चक्कर में एक आध इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया। आप जब भी ये क्लास करें, आप ये माइंड सेट रखें कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, नोटबुक सामने रखिए, नोटबुक को सामने रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाई दे उसे नोट करते जाएं आप, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई दे उसे नोट करते जाएं। लेकिन नोट करते समय सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्या मैं उस समय कुछ बता रहा हूं। जब भी आप कोई पार्ट को नोट करें तो वीडियो को पॉज जरूर कर लिया कीजिए, ताकि आपका कोई सा भी एक एक पॉइंट ऐसा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और एक एक पॉइंट ऐसा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि छोटी सी गलती के वजह से, नोट करने की वजह से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं और वो आपका पीछे ही रह जाए फिर, और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आपका कोई पार्ट छूट भी रहा है। तो इसलिए जब भी नोट किया कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद नोट किया कीजिए। आइए हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि इस नंबर के बारे में, जैसे एक बार फिर से लिख देता हूं कि 2348 ये क्या है? आपका संख्या है। इस संख्या में कौन कौन सा अंक है? तो इस संख्या में चार अंक है। कौन कौन सा? दो, तीन, चार और आठ। ये क्या है? आपका संख्या है। संख्या में जो अंक है वो क्या है? दो है, तीन है, चार है और आठ है। लेकिन अगर इसको ऐसे करके लिखा जाए, 2, 3, 4, 8, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये सब क्या है, बताइए ये सब क्या है, तो दो अंक ही है, तीन अंक ही है, चार अंक ही है, आठ अंक ही है। संख्या कौन है? संख्या कौन है? तो ये सभी संख्या है। यानी यहां पे चूंकि सबको अलग कर दिया गया है, तो दो के बारे में बात किया जाए तो ये आपका नंबर भी है और डिजिट भी है। ध्यान में रखिएगा, एन से मैं नंबर को डिनोट करूंगा, और जहां पे डी लिखा हुआ है वो डिजिट यानी अंक, यानी एन से नंबर यानी संख्या को मैं डिनोट करूंगा। ये बात आप लोग नोट कर लें, डी फॉर डिजिट होता है, यानी कि अंक को डिनोट करूंगा। मैं बार बार नंबर और डिजिट नहीं लिखने वाला हूं। अगर प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, मैं लिख दूंगा आगे चल के, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख लेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इतना सा तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एन जहां पे मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब वो नंबर को डिनोट कर रहा है, और जहां पे मैं डी डिनोट कर रहा हूं, डी लिख रहा हूं, वहां पे वो डिजिट को यानी अंक को डिनोट कर रहा है। तो यहां पे दो आपका क्या है? नंबर भी है और डिजिट भी है। थ्री क्या है? तो थ्री नंबर भी है एज वेल एज ये डिजिट भी है। फोर क्या है? नंबर भी है और डिजिट भी है। एट क्या है? नंबर भी है और डिजिट भी है। ये दोनों हैं। कैसे?
दोनों कैसे हो गया भाई? यहां पे तो बोले कि ये संख्या है 2348, ये संख्या है, समझ में आ गया कि 2348 संख्या है, क्योंकि संख्या बोला जाता है अंकों के समूह को, अंकों के समूह को यानी ग्रुप ऑफ डिजिट, जो ग्रुप ऑफ डिजिट होता है उसी को हम लोग कहते हैं नंबर। तो ये तो आपका नंबर है, और ये किसका ग्रुप ऑफ, किसका, तो ग्रुप ऑफ डिजिट यानी अंकों का समूह, यानी ये जो अंक है, अंक ये सब अंक का समूह मिल करके ये क्या बना है, संख्या बना है। तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन बात यहां पे की जाए कि ये भी अंक है। अंक तो समझ में आ रहा है कि दो अंक है, तीन अंक है, चार अंक है, आठ अंक है, लेकिन इसको मैंने संख्या भी क्यों बोल दिया? सबसे पहली बात कि बीच में कॉमा है, और बीच में अगर कॉमा है तो इसका मतलब यह हुआ कि सभी अलग अलग है। और अभी से थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0 ये सभी क्या है? तो ये सभी अंक भी है और संख्या भी है, ये सभी अंक भी है और संख्या भी है। संख्या मतलब कोई सा भी, अगर हम बोले कि मेरा फोर्थ रैंक है, मेरा संख्या कितना है, 4 है, तो क्या वो संख्या नहीं हुआ? वो भी तो संख्या ही हुआ। हाँ, ये और बात है कि चूंकि एक अंक वाला है इसलिए इसको अंक भी बोला जाएगा। एक अंक वाला जो भी संख्या है उसको अंक भी बोल सकते हैं और संख्या भी बोल सकते हैं, और एक अंक से ज्यादा वाला कोई अगर नंबर है तो उसको हमें संख्या या नंबर ही बोलना पड़ेगा। उसमें कितना अंक है ये तो बात की बात है। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस तरह से इस टाइप के लॉजिक से किस तरह का क्वेश्चन क्रिएट होता है। इस तरह का क्वेश्चन क्रिएट होगा, यकीन मानिए कि एसएससी सीजीएल तक में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरह से पूछा जाएगा, बोला जाएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद है एसएससी सीजीएल में, कि बताएं कि 100 पे पावर 101 और 101 पे पावर 100 ये दोनों में से कौन बड़ा है, ये दोनों में से कौन बड़ा है, ये लेवल इसका बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। वहां तक भी कोशिश करेंगे कि मैं पहुंच जाऊं, लेकिन आज तो आज के क्लास में पॉसिबल तो नहीं है। तो आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन को देखते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बाद में देखेंगे, पहले उससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। तो आइए क्वेश्चन को लिखते हैं, हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह से। मैंने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिखा है। मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी मैं क्वेश्चन लिखूं वो बायलैंगुअल लिखूं, यानी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि कई लोग हिंदी मीडियम से पढ़ना पसंद करते हैं और कई लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ना पसंद करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 1 से 39 तक अंकों की कुल संख्या कितनी है, 1 से 39 तक अंकों की कुल संख्या कितनी है। इंग्लिश की बात करें तो फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 to 39। 1 से लेकर के 39 तक जब हम लोग गिनती लिखेंगे तो इसमें टोटल कितना अंक होगा ये आपको निकालना है। आप अगर निकाल सकते हैं तो वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, साथ ही टाइम जरूर लिखें, कितने सेकंड में आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया या कितने मिनट में आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग कमेंट में आंसर दें तो आंसर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आंसर तो आप मैं अभी आपको बताऊंगा ही, आंसर बताऊंगा तो आंसर तो पता चल ही जाएगा। आपको सिर्फ ये मेंशन करना है कि आपने ये क्वेश्चन कितना देर में सॉल्व किया है, बस आप ये जब जरूर कमेंट में लिखें, इससे आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ये मुझे पता चलेगा कि आपका इंप्रूवमेंट क्या है, आपका स्पीड क्या है, आपका स्पीड अगर आप 2 मिनट में सॉल्व करते हैं, 5 मिनट में सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहां पे, हमें पता चल जाएगा कि आप 5 मिनट में सॉल्व किए हैं, तो आपके ऊपर किस तरह से और वर्क करना है ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। फिर
लेकिन जब आप अपना प्रॉब्लम ही शेयर नहीं कीजिएगा तब तो हम भी कुछ नहीं, हम तो क्या, इनफैक्ट इंडिया का कोई भी, ऑल ओवर वर्ल्ड का कोई भी टीचर, अगर अगर आप अपना प्रॉब्लम उनके साथ शेयर नहीं करते हैं तो वो आपका इलाज कैसे करेंगे। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जा करके बैठ जाते हैं, बैठने के बाद अपना प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, वो आपका इलाज कैसे कर सकता है। प्रॉब्लम स्टार्टिंग में भले पूरा प्रॉब्लम आप ना बता पाएं, उसको बताना होगा। ये नहीं कि जाके बैठ गए, बैठने के बाद डॉक्टर प्रॉब्लम पूछ रहा है तो आप डॉक्टर से बोल दिए डॉक्टर आप हैं कि हम, ऐसा नहीं ना करते हैं। डॉक्टर आप है ना जी, आप बीमारी पकड़िए, कौन सा बीमारी है, अरे भाई सिम्टम तो बताइए, कुछ तो बताइए। तो कम से कम आपको यही करना है कि टाइम जरूर लिखना है हर क्वेश्चन के लिए। मैं बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा इसके लिए, मान लीजिए कोई टाइम नहीं, ये हो सकता है कई लोगों के लिए ये क्वेश्चन नया हो, मैक्सिमम लोगों के लिए ये क्वेश्चन नया हो। तो इसके बाद मैं जब इस क्वेश्चन को और रिपीट करवाऊंगा, प्रैक्टिस आप ही लोग से प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद आप लोग जरूर से जरूर अपना टाइम मेंशन करेंगे कि कितना समय आपको लग रहा है। आइए मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूं, लेकिन क्वेश्चन को बताने से पहले इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि 1 से 39 तक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से 39 तक टोटल अंक कितना है, टोटल अंक कितना है। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन, जैसे अगर हम बात करें, हम गिनती लिखते हैं 1 से लेकर 9 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हम बात करें कि जब 1 से लेकर के 9 तक, अगर हम बात करते हैं कि 1 to 9 तक में अंकों का संख्या कितना है, जैसे यहां पे 1 to 39 यानी 1 से 39 तक लिखा गया है, अगर 1 से 39 तक ना लिख करके लिखा जाता 1 से 9 तक और पूछा जाता 1 से 9 तक की सभी संख्याओं में अंकों की संख्या कितनी है, तो 1 से 9 तक हम लिख लिए और उसके बाद अंक को जोड़ रहे हैं, तो 1 में ये संख्या है, इसमें कितना अंक है, एक ही अंक है ना, तो ये 1 हो गया। ये कितना अंक है, तो ये भी एक ही अंक है। ये कितना अंक है, तो ये भी एक अंक है। ये भी एक अंक है, 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 ये भी एक अंक है और ये भी एक अंक है। तो टोटल अंक कितना हुआ, 1 से लेकर के 9 तक में टोटल अंक कितना हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 ही अंक हुआ। 1 से लेकर के 9 तक जब हम काउंट करते हैं तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो अंकों की संख्या भी 9 ही होगी। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं कि 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक में टोटल कितना संख्या है, टोटल कितना अंक है, ये निकालना है। तो 9 तो यहां तक हो गया था ना, यहां से लेके 1 से लेकर के 9 तक में टोटल अंक कितना है, 9 है। और 9 के बाद जैसे ही 10 आ गया तो संख्या एक ही बढ़ा है। 9 के बाद अगर हम 10 लिखते हैं तो संख्या एक ही बढ़ा है, लेकिन अंक कितना बढ़ गया, तो अंक 2 बढ़ा, क्योंकि 1 भी अंक है आपका, इसके लिए भी +1, 0 भी अंक है तो इसके लिए भी +1। तो 9 तो यहां तक हो गया था, एंड 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11। तो यहां पे अंकों का संख्या कितना हो जाएगा, 11। अब बात करते हैं 10 के आगे और बढ़ जाए, अगर 11 तक का पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है 1 to 11 तक का आपको बताना है कि अंकों का संख्या कितना है, तो अंकों का संख्या कितना है, तो यहां तक तो 11 हो गया था। चलिए फिर से हम लोग काउंट करते हैं कि टोटल अंक कितना है 1 से लेकर के 11 तक। ऐसे लिखना नहीं है, इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूं। अगर पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर के 11 तक में अंकों का संख्या कितना है, तो आइए जोड़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। उसके बाद ये 1 को जोड़ेंगे, सिर्फ अंक जोड़ना है, तो 9 हो गया, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, टोटल कितना हो गया, 13 हो गया। अगर 12 तक का पूछा जाता तो यहां तक 13 हो गया था,
14, 15, यानी यही अंक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप 1 से लेके 39 तक लिखेंगे तो टोटल अंक कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। और ये बिना इतना लिखे हुए कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये तो छोटा सा नंबर है 1 to 39, यहाँ पे रहेगा 1 to 1000, 1 to 999, वहाँ तक कैसे काउंट करेंगे कि कितना अंक कैलकुलेट हुआ, ये सभी आप लोग ही बनाएंगे। मैं तो सिर्फ बताऊंगा, एक जरिया हूँ जो बस धीरे से मैं आपको पुश करूंगा, पुश करने के बाद आप ऑटोमेटिक छत पे चढ़ जाएंगे और वहां से सबको कहेंगे हाय मेरा सिलेक्शन हो गया। क्लियर है ना? तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग एग्जामिनेशन में बनाएंगे। शुरू में मैं स्टेप को फॉलो करके बनाऊंगा, उसके बाद बनाते बनाते ऑटोमेटिक ऐसा होगा, जब आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि आप खुद ही स्टेप काटना सीख जाएंगे, और स्टेप कटेगा तो और भी कम समय लगेगा। स्टेप से बनाएंगे तब भी कम समय लगेगा, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो स्टेप खुद से काटेंगे, स्टेप जब कटेगा तो समय और भी कम लगेगा। तो आइए मैं बताता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, देखिए बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे बात करते हैं कि अगर 10 की बात करें, अगर आपसे हम बोले एक संख्या 10, तो 10 में अंक का संख्या कितना होगा, 2। 10 की बात करते हैं, 10 में अंक का संख्या कितना है, 2 है, 1 है और 2 है। अगर हम बात करते हैं 23, 23 में अंक का संख्या कितना है, तो 1 और 1 2, 2 अंक वाला संख्या है, 2 अंकों वाला संख्या है, ये आसान है ना। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको ये करना होगा कि 1 to 9 तक में हमें देखना होगा कि टोटल कितना संख्या है और टोटल कितना अंक है। तो 1 से लेकर के 9 तक जब हम देखें तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर, यानी संख्या, उसके बाद मैं लिखूंगा डिजिट यानी कि अंक। आपको ये वाला पार्ट फाइंड करना है, ये वाला नहीं। बीच में बनाते बनाते आप इस स्टेप को काट भी सकते हैं। तो 1 से लेकर के 9 तक, जब 1 से लेकर के 9 तक देखा गया तो 1 से लेकर के 9 तक टोटल संख्या कितना होगा, तो संख्या तो 9 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना संख्या हुआ जी, 9 संख्या हुआ, 9 ही संख्या हुआ ना। अब अंक की बात करते हैं कि 9 तक जब हम काउंट करेंगे तो अंकों का संख्या कितना होगा, तो 1 से लेकर के 9 तक जब हम लिखते हैं तो सभी संख्या जो होता है वो एक एक अंक वाला होता है, यानी यहाँ पे अंकों का संख्या भी कितना हो जाएगा, तो अंकों का संख्या भी 9 ही होगा। अंक का संख्या भी कितना हो जाएगा, 9 ही होगा। होगा कि नहीं होगा 9? 1 से लेकर के 9 तक जब हम लिखेंगे तो संख्या भी 9 और अंक भी 9, तो 9 तक का तो आपने हिसाब कर लिया, आपको टोटल कितना 1 से लेकर के 39 तक चाहिए था, तो 39 में से 9 तक तो आप पता कर लिए कि टोटल कितना अंक है, टोटल कितना डिजिट है। 40 में से 9 तक का तो पता चल गया कि कितना डिजिट है, कितना अंक है, तो 9 को तो आप खत्म कर दीजिए, तो अभी कितना बच गया, सिर्फ 30। अब हमें यह देखना है कि ये 30 संख्या का, ये जो 30 नंबर अभी और बचा हुआ है, इस 30 नंबर में अंकों का संख्या कितना है। तो आप ध्यान देंगे कि जब भी संख्या 10 से शुरू हो, जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, इस तरह से करके 99 तक का जो संख्या होगा, उस 99 तक के संख्या में हर संख्या 2-2 अंक का होता है। हर संख्या कितने कितने अंक का होता है, तो हर संख्या 2-2 अंक का होता है। तो इसीलिए जब हम बात करें 1 से लेकर के 9 तक, तो संख्या कितना है, 9 है, तो अंक भी कितना हुआ, 9 हुआ। अब बात करते हैं, 9 तक तो खत्म हो गया, अब बात करते हैं 10 से लेकर के 39 तक। 1 से 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और 10 से लेकर के
39 तक का अभी बचा हुआ है। 9 तो हम शुरू में ले चुके हैं, इसलिए 9 मैंने कैलकुलेट नहीं किया। ये सिर्फ स्टेप है, सॉल्यूशन आप यहीं से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन चलिए अभी सॉल्यूशन सॉल्व नहीं करना है, फिलहाल स्टेप के थ्रू चलना है। तो 1 से लेकर के 9 तक स्टार्टिंग में ले लिए, अब 10 से 39 तक में देखेंगे कि 10 से 39 तक में टोटल संख्या कितना होगा। 10 से लेकर के 39 तक में टोटल संख्या कितना होगा, क्योंकि 9 तक तो आप ले चुके थे, 9 को खत्म कर दिए, तो 39 में से 9 गया 30, यानी 10 से लेकर के 39 तक में टोटल संख्या कितना होगा, तो 30 होगा। आप जोड़ के देख लीजिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से करके देख ले, टोटल कितना हो जाएगा 39 तक का, जब आप काउंट करेंगे तो 30 होगा। तभी तो 30 संख्या ये और 9 संख्या ये, 30 और 9 मिल करके कितना संख्या हो गया, 39 संख्या। तो 1 से लेकर के 39 तक का जो संख्या है वो तो 39 ही ना बनाएगा, है ना, 39 ही ना बनाएगा। तो 9 यहां और 9 के बाद डायरेक्ट आपको 39 में से 9 को घटाइए तो बच गया 30। लेकिन ये जो 9 संख्या जो आपको दिखाई दे रहा था, ये सभी 9 संख्या एक एक अंक वाला था, इसलिए डिजिट कितना दिया, एक ही डिजिट दिया। लेकिन ये जो 30 संख्या है, जो बाकी का 10 से लेकर के 39 तक का जो संख्या बचा, यानी बाकी जो 30 संख्या बचा, ये कितना अंकों वाला संख्या है, तो 10, 11, 12, 13, 14, ये सभी संख्या को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सभी संख्या दो दो अंक वाला है, यानी 2 से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसमें अंकों का संख्या कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो 1 से लेकर के 9 तक में अंकों का संख्या कितना है, 9 है, और 10 से लेकर के 39 तक में अंकों का संख्या कितना है, 60 है। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि 1 से लेकर 39 तक में अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो पता चला अंकों का संख्या कितना है, तो 69 है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, तो 69 होगा। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है, एक जरा सा भी डाउट है, कमेंट में जरूर लिखें। बाकी थोड़ा बहुत अगर डाउट अभी बच रहा है तो मैं अभी आपसे 2-4 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं आज यहीं तक सीमित रखूंगा, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, और अब जो प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपको कमेंट में ये लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने कितने देर में सॉल्व किया, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, ये कमेंट में आपको लिखना होगा, ताकि आपका इंप्रूवमेंट हमको पता चले। क्वेश्चन नंबर 3 कितना देर में सॉल्व किया, या वो क्वेश्चन नंबर 3 अगर नहीं बना पाए तो क्वेश्चन नंबर 3 के आगे में लिखना है, सर इसका आंसर हम नहीं बना पाए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर से आपके लिए वो पोर्शन को रिवाइज कर दूंगा। तो आइए हम लोग, अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार ले, इसके सॉल्यूशन यहां से है आपका, इसके सॉल्यूशन को आप नोट कर लें।